जय श्री राम भाइयों। तो आज सर्विसिंग करेंगे भाइयों, ठीक है। पूरा ड्यूट्स फायर का कैंप लग गया, यूं समझ लो, ठीक है। ये ड्यूट्स फायर 55 एग्रोलक्स, ये 80 हो गया अपना, ठीक है। और ये हो गया अपना एग्रोलक्स 50, ठीक है। ये नया है, इसकी पहले सर्विसिंग है। ये एग्रोलक्स जो है ये पिछले महीने ही आया है, तो इसकी फर्स्ट सर्विस होगी, ठीक है। ये 80, इसकी वीडियो आप देख चुके हो फ्लो पे, लिमकन वो वाला पीछे पड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1000 घंटे प्लस ये चल गया है 1200 घंटे करीब, तो इसमें टोटल फुल सर्विस होगी, जिसमें हाइड्रोलिक आयल, ठीक है, हाइड्रोलिक फिल्टर, आपका इंजन आयल, इंजन फिल्टर, जो भी XYZ पूरी फुल सर्विस होगी, ठीक है। भरचक सीजन चल रही है भैया, ठीक है। ये देख सकते हैं अपन प्लो अभी खेत में चलते चलते रोक कर लाए हैं सर्विसिंग के लिए, ठीक है। तो डीलर महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मतलब यहाँ पे गांव में आके, यूँ समझ लो कि एक तरह से खेत में ही आके सर्विसिंग करवाने का जो है डिसीजन दिया, ठीक है। और उसके बाद ये है, इसकी भी आप वीडियो बहुत सी देख चुके होंगे, रोटावेटर वगैरह, तो एग्रोलक्स 55 है, इसकी भी पूरी सर्विसिंग होगी, ठीक है। तो पार्ट्स जो है पूरे ओरिजिनल सामे के देख सकते हैं अपन, है ना। तो ट्रैक्टर चाहे किसी भी कंपनी का हो भाइयों, है ना, एक चीज़ उसका ध्यान रखें कि हो सके, जहाँ तक हो सके तो उसी कंपनी के जो आयल वगैरह, फिल्टर वगैरह, उसी कंपनी के डलवाने की या यूज़ करने की कोशिश करें। तो उससे होगा, होता क्या है भाइयों के, जैसे कि कंपनी का फार्मूले रहते हैं, उनका मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। और वही कंपनी जो ट्रैक्टर बनाती है, वही कंपनी अगर आयल और फिल्टर अगर बनाती है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वो मैचिंग करके या उस टाइप से वो पार्ट्स बनते हैं। तो अन्य कंपनी के आयल या फिल्टर की तुलना में जो जिस कंपनी का ट्रैक्टर रहता है, उसी कंपनी के अगर आयल फिल्टर और ये सारी चीज़ें अगर अपन करवाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसकी भी सर्विसिंग होगी, ये देख सकते हैं अपन 7.5 लीटर आयल है ना, ये भी पूरा आपका कंप्लीट सामने का इसमें लगा रखा है, इसका होगा, इसमें 7.5 लीटर आता है, 7.5 लीटर उसमें आता है इंजन आयल, ठीक है। और 80 में आता है 11 लीटर, तो आयल पूरी तरह से ख़राब हो चुका है भैया, ठीक है। करीब करीब समझ लो कि सर्विसिंग के बाद 500 घंटे मेरे ख्याल से ये आयल चल गया है। तो सीज़न बिल्कुल भरचक चल रहा है, फसलें कट रही है, खेत जो है फ्री हो रहे हैं, प्लो चल रहा है, ठीक है। तो पार्ट्स के अपन बात कर रहे थे भैया, पार्ट्स क्या है कि जहाँ तक कोशिश हो, बनती कोशिश, उसी कंपनी के पार्ट्स का उपयोग करें जिस कंपनी का पर्टिकुलर आपका ट्रैक्टर है। कंपनी से आए हैं मैकेनिक साहब सर्विसिंग के लिए, ये यहाँ पर एक थोड़ा सा मैकेनिज्म भैया, हम लोग बात करते हैं जैसे आयल कूलर, ठीक है। आयल कूलर कैसे काम करता है, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, ठीक है। आयल भी फिल्टर होगा और साथ में जो नलियाँ जा रही है, ठीक है, ये आ रही है आपकी कूलेंट से, ठीक है। तो ये मतलब इन और आउट दोनों लगे हुए हैं, यहाँ पर फैन लगा हुआ है कूलर, ठीक है। तो आयल को ठंडा भी करेगा और फिल्टर भी करेगा, ठीक है। इस टाइप से ये चलता है, ये वाला तो बढ़िया है ना। 80 प्रोफी लाइन, 19 लाख रुपए का ट्रैक्टर हो गया भैया आजकल, CRDI होने के बाद। ये वाला ट्रैक्टर जो था लास्ट जब बंद नहीं हुआ था, उसके जस्ट उसके पहले का ये मॉडल है, 22 मॉडल है ये। तो टर्बो विथ इंटरकूलर के साथ में आता है भैया, ठीक है। बड़ा सा रेडिएटर है और बिल्कुल ट्रक के जैसा, यूँ समझ लो कि ट्रक का ही इसमें एयर क्लीनर लगा हुआ है। सबसे बड़ा यानी कि मेरे ख्याल से कितने नंबर होना चाहिए, वो उस साइड इसमें प्रिंट हुआ है, सबसे बड़ा इसका जो है टर्बो है, ठीक है। तो लगभग लगभग फुल सर्विस होगी, 20-20 लीटर की 2 बाल्टी है, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल से 34 लीटर या 36 लीटर आता होगा। तो कंबाइन है पूरा, हाइड्रोलिक, गियर, स्टीयरिंग, ठीक है, ये तीन चीज़ों से पूरा ये इसी आयल से चलेगा, ठीक है। प्लो
एक नज़र अपन प्लो पर डाल लेते हैं। ये लेमकन का प्लो है भैया, इसका वीडियो आप देख चुके हैं। तो दिखने में दूर से तो बहुत हल्का लगता है, जैसे पतला सा लगता है, लेकिन इसकी जो फ्रेम है ना भैया, 90x90 ऐसा कुछ वो आंकड़ा बताते हैं, पूरा कंफर्म तो अपने को पता नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मोटी इसकी वो थिकनेस होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो इसमें जो मटेरियल डला हुआ है वो बोरोन स्टील का लगा हुआ है भैया। ठीक है, 15 तरीके से अपन इसको सेट कर सकते हैं, कंपनी ऐसा बताती है, 15 तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। और इसके पास मैं खड़ा हूँ, मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंच। ठीक है, तो ये मेरे कान के बराबर आ रहा है भैया, बहुत ऊंची हाइट है। 090 ओपल है, यानी कि 2+1। ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से, ट्रैक्टर के लोड के हिसाब से आप इसको 2 MB भी बना सकते हैं और 3 MB भी इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो कंपनी की रिकमेंड है, अगर आप 090 ओपल लेते हो तो कम से कम आपको 75 HP ट्रैक्टर चाहिएगा ही चाहिएगा, है ना। उसके 2-3 रीज़न है, एक तो भारी बहुत है 3 बाटन में, ठीक है, और यहाँ से लगा के अगर यहाँ तक अपन इसकी लंबाई देखें भाई, तो करीब करीब 7-7.5 फीट का मेरे को ये इसकी लंबाई लग रही है, अनुमान से बोल रहा हूँ। यानी कि एक छोटे ट्रैक्टर 45 HP के छोटे ट्रैक्टर के बराबर इसकी थोड़ा बहुत ही कम होगा इसकी लंबाई है। तो उस हिसाब से उठाने की जो है कैपेसिटी वाला ट्रैक्टर भी होना चाहिए, ज़्यादा हाइड्रोलिक कैपेसिटी भी उसकी होनी चाहिए। एक ज़रूरी बात, जैसे है ना, 10 से लगा के तो 15-17-18 इंच तक गहराई तक ये प्लो काम करता है। तो उस हिसाब से पावरफुल ट्रैक्टर भी चाहिए, 4-व्हील ड्राइव चाहिए, और सबसे मेन ज़रूरी बात उसमें वेट ब्लास्टिंग भी चाहिए भाई। अब देख सकते हैं अपन इसमें 40-40 किलो की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चौक 24 और करीब करीब 60 किलो का ये करीब करीब 3 क्विंटल वजन इसमें ऑलरेडी लगा रखा है। ठीक है, और जो आगे के टायर है उनमें वाटर ब्लास्टिंग भी कर रखी है। तो शुरुआत में क्या करा था किसान भाई ने, ध्यान नहीं रखा, नए नए ड्राइवर थे, नए नए ट्रैक्टर लिया था, तो वेट जो कंपनी से आए थे 4 ही प्लेटें थी और आगे पानी भी नहीं भरा था, और ओपल 090 पे उन्होंने चलाया तो टायर की घिसाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, ध्यान रखा नहीं उनने। बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्टर है भैया, DCIL डबल क्लच इंडिपेंडेंट लीवर, सबसे पहले ड्यूट्स फार ही ये वाला सिस्टम लेके आया था, डबल क्लच वाला। ठीक है, ये आपका सेपरेट पार्किंग लीवर है ना, यानी कि उस वाले ब्रेक से, इस वाले ब्रेक लीवर का कोई संबंध नहीं है, ये डायरेक्ट क्राउन पिनियन को लॉक करता है। ठीक है, तो आप जैसे पुराने ट्रैक्टरों में जैसे 2 फिल्टर आते थे, एक कपड़े वाला और एक कागज़ वाला, तो आजकल क्या है कि ये मास्टर फिल्टर दे दिया है, ये देख सकते हैं अपन, है ना, ये मास्टर फिल्टर है भैया, इसको खोल के बताएंगे। तो इसकी क्या है, इसकी कैपेसिटी मैं आपको बताऊं कि करीब करीब एक सर्विसिंग छोड़ के, है ना, 400 घंटे पे, 500 पे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस क्वालिटी का ऑयल रहता है। ठीक है, उस क्वालिटी के इसके पार्ट्स रहते हैं। अब ये जैसे है बॉश कंपनी का है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टॉप क्लास मल्टीनेशनल कंपनी, बॉश कंपनी, तो ये मास्टर फिल्टर इसको बोलते हैं भैया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वाटर सेपरेटर का भी काम करता है, और 2 फिल्टर लगाने की आवश्यकता है इसमें नहीं। तो एक सर्विसिंग छोड़ के, यानी कि 400 पे अगर आपने चेंज कराया तो उसको 800 और फिर 1200, है ना, एक सर्विसिंग छोड़ के इसको अपन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा भी है, गवर्नर सिस्टम है। ठीक है, आजकल तो अब ये 2023 के बाद आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ये सिस्टम ख़त्म हो गया है। ठीक है, आजकल CRDI कॉमन रेल वाला सिस्टम पूरा चालू कर दिया है सरकार के नाम के हिसाब से, तो बढ़िया सिस्टम है भैया। जैसे इसमें ये गवर्नर है ना, 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 4000 CC है, तो पर्टिकुलर यूँ समझ लो कि 1000 CC पे एक पंप, एक सिलेंडर उस हिसाब से काम करता है, सेपरेट इंडिपेंडेंट। इसमें जो हर सिलेंडर के लिए अलग से पंप दे रखा है, और उनको जो कंट्रोल करता है वो गवर्नर। तो इस टाइप से अपन इसको कर सकते हैं, बता दिया भैया। कूलेंट चेक करते रहें, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं अपन इस टाइप से, इसमें पूरा वो डस्ट फंस जाता है, वाटर सेपरेटर का भी कहीं ना कहीं काम करता है भैया। तो वेट ब्लास्टिंग आगे तो करी है, पीछे भी इसमें जो है 43-43 किलो की 2 प्लेटें है ना, यानी कि 90 किलो के आसपास इधर और 90 उधर, तो बहुत ज़रूरी है। टायर इसके जो है 16x30 और उसी के हिसाब से इसके जो है फारे हैं। ठीक है, जो MB है मल्टी बॉटम, वो भी इसी की विड्थ के हिसाब से है ना। पावर बूस्टर, ठीक है, 500 किलो 5 क्विंटल और 5 क्विंटल, यानी कि 10 क्विंटल, ये दोनों मिलके कैपेसिटी उठाने की इसकी बढ़ा देते हैं। 4-वे
QRC का कपलर बढ़िया है। और ये अभी नया आया है, ठीक है, 50 HP हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक 50 HP पहली सर्विसिंग है भाई इसकी। कंपनी फुल लोडेड है, हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर है, ठीक है। इसमें भी आप आपका एक QRC कपलर, टू वे एक्सिलरी वाल्व दे रखा है, EP साइक्लिक रिडक्शन के साथ में, आप लोग सब जानते ही हैं इसके बारे में। यहाँ पे दिया गया है वो वाला सिस्टम, ठीक है। ये लिंकेज के लिए चार जो है छेद दे रखे हैं, ठीक है। मिट्टी की हार्डनेस और मुलायमता के आधार पर उसका चयन कर सकते हैं अपन 14 के टायर के साथ में, ठीक है। और कंपनी लिख के देती है बिल्कुल आपको MRF के ही टायर दिए जाएंगे। 50 HP है पूरा, गवर्नर सिस्टम देख सकते हैं अपन, 3 सिलेंडर है, 3000 CC है ना। तो पहली सर्विसिंग, वो क्या है कि इन दोनों ट्रैक्टर की जो है सर्विसिंग करने के लिए कंपनी वाले जो है मैकेनिक साहब आए थे, तो लगे हाथ इनका भी फायदा हो गया, इनको जाना नहीं पड़ेगा शोरूम पे करवाने के लिए सर्विसिंग। आगे के टायर 750/16 एमरोन की बैटरी, ठीक है, ड्राई टाइप का एयर क्लीनर है। तो ये एयर पंप इस टाइप का दे रहा है भैया, ठीक है। इसमें जैसे कभी एयर आ जाता है, हवा आ जाती है, तो इसको यहाँ से प्रेस करते हैं अपन, तो देख सकते हैं अपन ये आयल का पूरा सप्लाई चालू हो गया यहाँ पर, डीजल का है ना, डीजल का सप्लाई चालू हो गया। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। एक सिस्टम शायद आप लोगों को पता होगा भैया, जैसे इसमें जो है जैसे नारियल पानी पीते हैं अपन, उस टाइप से ये डीजल का जो खींचने का जो सिस्टम है टंकी में से, वो ऊपर से दे रखा है, ठीक है। डीजल ऊपर से लेता है, बाकी सभी ट्रैक्टरों में क्या होता है कि यहाँ पर नोजल लगी हुई रहती है, ठीक है, तो वो ऐसे नीचे से खींचता है, तो इसमें क्या है कि ऐसे ऊपर से। तो ये भी बढ़िया सिस्टम है। अब ये इसका ऑयल फिल्टर है भैया, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी का है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ऑयल को फिल्टर भी करेगा, और इसकी बनावट इसके कारण ऐसी है कि वो ऑयल फिल्टर होते हुए ठंडा भी होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है भाइयों, जैसे ये जो चैम्बर है, ठीक है, चैम्बर में दो पार्ट हैं। दो पार्ट इसलिए है कि जो इसका प्रोपेलर शाफ्ट जो निकली है, सबसे बेस्ट मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे सर्च करके, तो सबसे बेस्ट मैकेनिज्म इसी में है, आपको शाफ्ट कहीं पे भी नहीं दिखेगी। उसका कारण क्या है कि जो चैम्बर है ना, चैम्बर के बीच में से इसको निकाला है, तो चैम्बर क्या है कि दो भागों में बटा हुआ है, तो उसका एक मिनट भैया इसका ये थोड़ा सा निकालना। अब इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज़ दी है भैया, जैसे यहाँ पर जो है ये मैग्नेट दे रखा है, ठीक है, तो उसका कारण क्या है, मैग्नेट यानी चुंबक, यानी कि लोहे की चीज़ है, जैसे एमरी वगैरह आती है, ठीक है, तो ये एमरी को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए यहाँ पे मैग्नेट दे रखा है। तो दो पार्ट में चैम्बर दे रखा है, दोनों को ड्रेन करने के लिए दोनों तरफ से अलग अलग ये स्क्रू दे रखा है, ठीक है, और उसमें मैग्नेट लगा हुआ है। हो सकता है दूसरे ट्रैक्टरों में भी हो, और होता होगा मेरे ख्याल से, पर ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो अच्छे से टाइट ये हो जाएगा। सेपरेट दोनों पंप है, पावर स्टेरिंग का और हाइड्रोलिक का। अब एक चीज़ इसमें और देखने वाली ये है भैया, जैसे एक ही साइड में है ना, ट्रैक्टर के राइट साइड में, यहीं से आप यहाँ से ऑयल फिलअप कर सकते हैं, ऑयल फिल्टर यहाँ लग जाएगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है। आपका डीजल फिल्टर इधर ही है, कूलेंट भी इधर ही है, ठीक, पंप देने के लिए, हवा निकालने के लिए ये भी इधर दे रखा है, यानी कि मैक्सिमम चीज़ें जो सर्विसिंग संबंधी है वो पूरा एक राइट साइड, ट्रैक्टर के राइट साइड दे रखी है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सोची समझी कोई सी चीज़ है मेरे ख्याल से। वो ड्यूट्स फॉर 80 में 4 सिलेंडर है, 4000 CC, तो इसमें जो इंजन ऑयल पड़ता है भैया 11 लीटर करीब है ना, 11 लीटर ऑयल इसमें इंजन ऑयल पड़ता है। हैवी ड्यूटी सुपर मोटर ऑयल पूरा SDF का है भैया, ठीक है, ओरिजिनल। ये बारकोड वगैरह अपन देख सकते हैं, बढ़िया है। अब जैसे कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारी कंपनी का ही ऑयल आप यूज़ करें, तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है। रीज़न एक ये भी हो सकता है मेरे ख्याल से कि जैसे इसके इंजन के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है भैया, जैसे 4 सिलेंडर है, ठीक है, चारों पिस्टन के ऊपर सेपरेट, हर पिस्टन के ऊपर एक सेपरेट जेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि लगातार इंजन स्टार्ट जेट स्टार्ट, तो वो क्या है कि ऑयल जैसे जेट स्प्रे उस पर करते रहते हैं, तो ठीक है, उस हिसाब से इसके जो क्या समझ सकते हैं अपन, नोजल की साइज़, ठीक है, उसकी जो है नोक जो छिड़कने की जो कैपेसिटी है, सारा वो इस ऑयल के हिसाब से, या ऑयल उस नोजल के हिसाब से बना हुआ है। इसलिए कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारी कंपनी का ही ऑयल यूज़ करें, और करना भी चाहिए, कहीं ना कहीं सही चीज़ है वो। तो
तो ट्रैक्टर का क्या है कि ब्लड डोनेट हो रहा है भैया, ये इसका ब्लड है, ठीक है। 7.5 लीटर की एक बाल्टी है, तो ड्यूट्स फायर के सिर्फ 80 HP में 11 लीटर ऑयल लगता है भैया। 80 से नीचे जितने भी मॉडल है सब में 7.5 लीटर लगेगा, क्योंकि प्रोफिलाइन सीरीज में इनके दो मॉडल आते थे। एक आता था प्रोफिलाइन 75 जो कि बहुत कम देखने को मिलेगा, शायद ही मिले, और एक प्रोफिलाइन सीरीज में 80 आता है इनका, जो कि ये वाला ट्रैक्टर है। तो दोनों की जो है 4000 cc है, 4 सिलेंडर है और 11 लीटर ऑयल इंजन का डलता है। तो 7.5 ये हो गया और करीब करीब 3.5 लीटर ऑयल दूसरी बाल्टी में से। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि एक ही बाल्टी लानी पड़ेगी, उसमें से भी बच जाएगा। तो 11 लीटर कैपेसिटी है, ऑयल ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ज़्यादा अगर ऑयल डल गया तो हो सकता है इंजन हीट करे, है ना। तो गेज से नाप के गेज, हो गया बराबर, तो पूरा उसको गेज से नाप के बिल्कुल फिक्स बराबर कर लेंगे। अब हाइड्रोलिक ऑयल का जो ड्रेन पॉइंट है वो नीचे दे रखा है। तो कितना नंबर पाना लगे? 24-27 का पाना लगता है इसमें, ठीक है। ये ड्रेन यहाँ से निकलेगा, इसमें ऑयल मेरे ख्याल से 36 या 34 लीटर आता है भैया। क्यों? ऑयल वैसे कंडीशन अच्छी है, ज़्यादा ऑयल की कंडीशन ख़राब भी नहीं है। लो पीछे से इसमें अच्छा निकल रहा है। दुड़िया जी थोड़ा सा खींचना है अभी, रुकना। हाँ वो भरा हो तो पूरा। 20-20 लीटर की दो बाल्टी है, यानी कि 40 लीटर, तो उसमें से बच जाता है कुछ। 36 लीटर होना चाहिए या 34। ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया तो क्या है, पूरी तरह से ऑयल घूम के पूरा ड्रेनेज में आ रहा है। ऑयल की कंडीशन तो अच्छी है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोलिक के जो फिल्टर रहते हैं भैया दो लगे हुए रहते हैं, एक वो वाला, ठीक है, एक ये वाला। तो दोनों चेंज करने रहते हैं एक सर्विसिंग छोड़ के, ठीक है। तो बिल्कुल एक तरह से थोड़ा सा निकालने में कठिन भी है और कहीं ना कहीं वो सिक्योर भी है। SDF पार्ट्स, ठीक है। ये हाइड्रोलिक फिल्टर, दो फिल्टर लगेंगे, ये लो। नए किसान भाइयों अधिकतर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिल्टर को लगेगा किस साइड और निकलेगा किस साइड। अब इसको देख सकते हैं अपन, घड़ी की सीधी दिशा में, घड़ी की सीधी दिशा में ये कसाएगा। बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दो फिल्टर लगेंगे एक सर्विसिंग छोड़ के, शुरू बार में दोनों फिल्टर चेंज कर देंगे, उसके बाद चलते रहेंगे। अगर आपका काम, आपके ट्रैक्टर का काम हाइड्रोलिक यानी कि ऑयल सप्लाई वाला ज़्यादा है तो इस चीज़ का अपने को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कई हाइड्रोलिक ऑयल जो है अगर चेक करना हो तो यहाँ से अपन करते हैं, ड्यूट्स फॉर 80 में यहाँ से चेक करते हैं और यहाँ से इसको फिलअप करते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑयल डालेंगे। अब ये भी एक तरह का फिल्टर है भैया, ठीक है। ये ब्रीदर का भी काम करता है ना। ट्रैक्टर चलता है, इंजन या हाइड्रोलिक ऑयल गर्म होता है तो गैस बनती है, तो यहाँ से क्या है कि गैस बिल्कुल पास हो जाएगी। और फिल्टर भी लगा हुआ है इसमें, साफ करते रहना चाहिए इसको। जिन्ना में एक बर्थ 100
उत्ती बार चेंज जगह होनी है। आखिरी चेकिंग तीनों ट्रैक्टर की सर्विसिंग हो गई है। ठीक है भाइयों, तो ये था छोटा सा वीडियो। जैसे वीडियो लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय श्री राम।